कांग्रेस ने लोकसभा के 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची तय हो गई है। फिलहाल यूपी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा की 90 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आम चुनावों के लिए कांग्रेस की पहली सूची तय। कांग्रेस ने तय किए 90 उम्मीदवारों के नाम। 5 राज्यों की 90 सीटों पर तय हुए उम्मीदवार। किसको मिला टिकट, किसका कटा टिकट। मिशन 2014 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी जिम्मा संभालते ही UPA 3 की संभावना को पुख्ता आधार देने में पूरी ताकत लगा दी है। तभी तो आम चुनावों के ऐलान से काफी पहले ही उम्मीदवारों के चयन का काम भी शबाब पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में कांग्रेस ने 90 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। 5 राज्यों से 90 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। यूपी, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से ये नाम तय किए गए हैं। 2009 की ज्यादातर हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार तय हुए हैं। यूपी से 21 उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस ने मुहर लगाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ज्यादातर उन्हीं सीटों पर माथापच्ची की गई जो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ नहीं आई थी, यानी जिन सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जबकि 15वीं लोकसभा के मौजूदा कांग्रेसी सांसदों के टिकट पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में चर्चा तक नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा सांसदों की किस्मत पर फैसला संसद के मौजूदा सत्र के समापन यानी 21 फरवरी के बाद किया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। लेकिन बैठक के अंत में तय हुए तो सिर्फ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की 90 सीटों के उम्मीदवारों के नाम। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यूपी, बिहार और झारखंड में गठबंधन की संभावना के चलते सभी सीटों के बाबत चर्चा नहीं की गई, क्योंकि झारखंड में JMM से गठबंधन हो सकता है तो बिहार में RJD, LJP से गठबंधन की संभावना है, जबकि यूपी में RLD से गठबंधन मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दागी उम्मीदवारों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के आरोपी सुरेश कलमाड़ी पुणे सीट से अपनी पत्नी मीरा कलमाड़ी या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए लामबंदी कर रहे हैं। वही रेलवे रिश्वत कांड की आंच में रेल मंत्री की कुर्सी गवा चुके चंडीगढ़ से सांसद पवन कुमार बंसल को टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ की पार्टी इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ बंसल के नाम की ही सिफारिश की है। गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस के 206 सांसद हैं, लेकिन हाल के दिनों में आए तमाम सर्वेक्षणों में हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ बताया जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस ने वक्त रहते अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। यही वजह है कि पार्टी फरवरी के अंत तक ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय कर लेना चाहती है। बहरहाल देखना होगा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जैसे आला नेताओं की नुमाइंदगी वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति 16वीं लोकसभा के चुनाव में अपने किन किन नेताओं को पार्टी का टिकट देती है। फिलहाल सस्पेंस उन 90 सीटों पर बना हुआ है जिन पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन उन नामों का ऐलान होना अभी बाकी है।